हम चैलेंज करते हैं सरकार को कि पूरी तरह से रिफाइंड पेट्रोल दिल्ली में 34 रुपए से मिल सकता है। साल का रिपोर्ट कार्ड के कुछ ही घंटों में उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। बार बार करीबन 17 से 18 बार प्रधानमंत्री के कार्यालय ने और कांग्रेस की सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों बढ़ाए हैं? मनमोहन सिंह जी की सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम को ठीक रखने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। भारतीय जनता पार्टी इसकी घोर निंदा करती है। नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो मैंने आपको इसलिए सुना है क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दाम कहाँ जा चुके हैं आपको पता ही होगा। पेट्रोल और डीजल के दाम बादलों की ऊंचाई पर जा चुके हैं, और ऐसे वैसे बादल भी नहीं, खतरनाक बादल, जिसके बारे में खुद मोदी जी बता रहे हैं। मैंने कहा इतने क्लाउड है, बारिश हो रही है, तो एक बेनिफिट है कि हम राडार से बच सकते हैं। मैंने कहा मेरा रॉ विजडम है, देखिए क्लाउड बेनिफिट भी कर सकता है। तो दोस्तों, जो नेता 2014 से पहले 70 रुपये पेट्रोल और 55 रुपये या 60 रुपये डीजल के लिए अपनी छाती पीटते थे और ये कहते थे कि दिल्ली में बैठी सरकार कुछ नहीं कर रही है, अब वही कह रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल के दाम करना सरकार के हाथ में नहीं होता, ये तो सब अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर निर्भर है। जबकि पेट्रोल और डीजल पे केंद्र सरकार ने 100% से भी ज़्यादा सेस बढ़ा दिया है। और हमारे पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ये कह रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल के दाम ठंड की वजह से बढ़ रहे हैं। इन दिनों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम प्राइस की बढ़ने के कारण कंज्यूमर्स के ऊपर थोड़ा उसकी प्रभाव आई है। जैसे जैसे जाड़े के दिन आगे जाएगा, विंटर्स घटेगा, तब ये दाम थोड़ा धीरे धीरे, अब तो ठंड भी चली गई। और दोस्तों, पेट्रोल और डीजल के इतने ज्यादा दाम बढ़ जाने के बाद कुछ न्यूज चैनल को छोड़ के 80-90% न्यूज चैनल अपने में ही लगे हैं। 100 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल होने के बाद भी हमारे अर्नब भैया ये दिखाने में बिजी हैं। और अगर कोई बोले जय श्री राम तो फिर गुस्सा क्यों आता है, मैं समझ नहीं पाया। आपको भी बोलना चाहिए जय श्री राम। वॉट इज सो अनएक्सेप्टेबल अबाउट जय श्री राम? वॉट इज सो wrong about Jai Shri Ram? सीधा सवाल ताल ठोक के पूछ रहे हैं, तो क्या गोदी बॉलीवुड चाहती है कांग्रेस, जो इनकी गोद में बैठने से मना करते, जो इनके मनमाफिक बात कहने से मना करते, वो गोदी बॉलीवुड। और आप जैसे एंकर लोग को भी ऐसे चीजों पर डिबेट नहीं करना चाहिए, जिसको जिस पे ट्वीट करे वो करे। आपने पेट्रोल पर ट्वीट किया, अच्छी बात है, करना चाहिए, सही बात है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है, बिल्कुल सही, अच्छे दिन का वादा किया गया था, बिल्कुल सही आपका सवाल। आपने इंडिया टुगेदर पर ट्वीट किया था, आपने रिहाना को आईना दिखाया था, देश की बात करी थी आपने, और खालिस्तानी हमको किसानी सिखाएंगे, रिहाना हमको किसानी सिखाएंगी, ये कौन है, ये इनकी हैसियत है कोई, ग्रेटा रिहाना, ये हमको लेक्चर देंगे? घर में हम सब एक सदस्य हैं, हम सब मिलकर रहते हैं, माता पिता से झगड़ा हो तो पड़ोसी को बाप नहीं बना लेते हैं कनिका जी। और दोस्तों, जब इतना महंगा पेट्रोल और डीजल हो गया और लगातार लोगों ने इसकी तनकीद करी, तो मजबूरन हमारी रूहबिका जी को इसके बारे में बात करनी पड़ी। और इन्होंने जब पेट्रोल के बारे में बात करी तो अलग ही लग रहा था कि ओवर एक्टिंग हो रही है। पहला सवाल ये कि 32 रुपए के पेट्रोल का दाम 100 रुपए क्यों है? पेट्रोल डीजल पर टैक्स में कटौती कब होगी? रोज रोज तेल के दामों में इजाफा आखिर क्यों हो रहा है? दोस्तों, पिछले कई सालों से चाटुकारिता करने में अर्नब गोस्वामी और सुधीर चौधरी का कोई जवाब नहीं है, लेकिन अब धीरे धीरे रूबिका लियाकत भी इन्हें टक्कर दे रही हैं। वैसे तो ये बहुत पहले से चाटुकारिता कर रही हैं, जब ये जी न्यूज में थी तब भी, एबीपी न्यूज में आने के बाद तब भी, लेकिन ये बहुत ज्यादा हाईलाइट यहाँ से हुई थी। खबरदार, अब बहुत हो गया, सुनाई लिया सब, कब तक किसी का वोट बैंक बने रहेंगे आप? जवान किसान मुसलमान का लिहाज ना मोदी को है, ना मोदी के दलाल एंकरों को है, रूबिका लिया। खबरदार, अब बहुत हो गया, इलियास शरफुद्दीन खड़े होकर फौरन यहाँ से चले जाइए। आपको लगता है आप यहाँ कुछ भी बकवास करते रहेंगे और मैं आपको यहाँ बैठकर सुनती रहूंगी? इलियास शरफुद्दीन
यू हैव टू बिहेव बिहेव प्रॉपरली इलियास शरफुद्दीन, क्या इट्स अ वार्निंग। और इसके बाद तो इन्होंने सारी हदें ही पार कर दी। बंगाल के चुनावों के लिए ये जो प्रोग्राम कर रही हैं उसकी आप हेडलाइंस पढ़ेंगे तो आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा। बंगाल बचाओ या बहु बचाओ, उत्तर दक्षिण में बंटवारा, राहुल को क्यों लगे प्यारा, चुनाव की बारी, तृणमूल पर घोटाला भारी, और मोदी जी के सामने आके तो ये अलग ही। मैं भी एक इंसान हूँ, सुमित भी इंसान है, आप भी इंसान है, मेरी भी दो आंखें हैं, आपकी भी दो आंखें। मैं भी कई बार ऐसा होता है थक जाती हूँ और मैं ये कहती हूँ कि बहुत थकान होगी, अभी नहीं होगा। सच बताइए, व्हाई डोंट यू गेट टायर्ड, आप थकते क्यों नहीं? तो दोस्तों, आजकल इन्होंने चाटुकारिता करने के सारे रिकॉर्ड तोड़ रखे हैं। एबीपी न्यूज की गिरती हुई पत्रकारिता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनके एक पुराने पत्रकार रक्षित सिंह ने उनका चैनल छोड़ दिया है, और चैनल छोड़ने के बाद उन्होंने क्या कहा आप खुद ही सुनिए। और गौर करने वाली बात यह है कि उन्होंने किसानों की महापंचायत में जाके ये ऐलान किया, सुनिए आप भी। मुझे अपने खून पसीने की कमाई से पढ़ाया और मैंने इस पेशे को चुना, क्यों चुना? क्योंकि सच दिखाना था मुझे, लेकिन नहीं दिखाने दिया जा रहा। दोस्तों, सिर्फ पेट्रोल डीजल और रसोई गैस ही महंगी नहीं हुई है, हमारे इतने अच्छे दिन आ गए हैं कि कम दूरी का ट्रेन का किराया भी महंगा हो गया है। ईटी हिंदी ने एक ट्वीट किया, कम दूरी की ट्रेनों का बढ़ाया गया किराया, मकसद है कि लोग बिना मतलब यात्रा ना करें। वाह, तो मतलब सिलेंडर भी इसलिए महंगा कर दिया है कि बिना मतलब खाना ना खाएं। तो दोस्तों, हम इसी तरह लोगों की हिपोक्रेसी को पकड़ते रहेंगे, इसके लिए आप वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, इनकी जरूर सुन लें। तो ऐसे सवालों को करने के लिए देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।